सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं एक जबरदस्त गेम के बारे में, और इस वाले गेम्स के बारे में शायद ही आपको जो है पता होगा, बिकॉज यार ये गेम जो है यार मुझे नहीं लगता कि यार इसके ऊपर किसी ने भी जो है वीडियो बनाया है अभी तक, और अगर बनाया होगा भी तो यार मैंने जो है नहीं देखा है। तो गाइज अगर आपको इस गेम के बारे में पहले से पता है तो भाई कमेंट करके बता देना। एंड यहाँ पर हम बात करने वाले इस वाले गेम्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि गाइज यार गेम का साइज जो है वो लाइक फ्री फायर का जितना साइज है उतना ही आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखने वाले हैं जैसे कि आप सभी को पता होगा फ्री फायर के अंदर जो हमें काफी सारे चीजें जो है देखने को मिल जाती है। तो इस वाले गेम्स के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा वही सारी चीजें के ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो पर। और इस वीडियो के अंदर जो आपको पता लगने वाला है कि अरे इस गेम को आपको इंस्टॉल करनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर आपके लिए फ्री फायर ही बेटर होगा। सो इस वीडियो के अंदर हम यही सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। सो हे गाइस, माय नेम इज सुजीत एंड आप देख रहे डुएस टेक्निकल यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और जो मेरा पिछला वीडियो था वो भी बहुत ही कमाल का था, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके जो आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको बेस्ट बैटल रॉयल गेम्स चाहिए तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स गेम्स के बारे में। तो गेम्स जो है बेसिकली बहुत ही कमाल का है, एंड यहाँ पे हम शुरुआत करने वाले हैं वेपन्स को लेकर, ठीक है। तो वेपन्स में आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, वेपन्स में देखो यार AWM या फिर और भी कई सारे वेपन्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ क्लासिक वेपन्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ एडवांस वेपन्स, कुछ मशीन गन भी जो है आपको देखने को मिल जाता है इस गेम के अंदर, जो कि यार काफी कमाल का लगता है। और हाँ, कुछ वेपन्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि यार फ्री फायर या फिर पबजी के अंदर हम ऑलरेडी चला चुके हैं, वो सारे वेपन्स भी जो आपको इस गेम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगर उन सभी वेपन्स को आप चलाना चाहो तो भी यार चला सकते हो, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं आने वाला। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे गेम्स के होम लॉबी के बारे में। तो ये ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाता है गेम को ओपन करने के बाद, हमारा होम लॉबी, एंड यहाँ पे जो आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती है। लाइक यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वही सारी चीजों के ऊपर जो बात करने वाले हैं। मिशन के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है हमें मैप्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप जिस मैप को चाहो उस मैप को जो है प्ले कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ मैप ऐसे भी हैं जो अनलॉक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसे अनलॉक करने के लिए फ्रेंड्स आप तो एक कॉइन से मदद ले सकते हो या फिर आप जो है लेवल अपना बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली ये मैप जो है ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। एंड यहाँ पे यार गेम को प्ले करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा मैं आप सभी को बता दूँ। यहाँ पे जो आपको 1.5 मिनट का समय मिलेगा, एंड यहाँ पे जो 2v2 का जो है TDM मैच चलने वाला है, यानी कि 1.5 मिनट के अंदर जो है आपको हाईएस्ट किल करना है, ओपोनेंट टीम को जो हराना है, ठीक है। तो बेसिकली यार जो लोग TDM खेलते हैं वो उन सभी को पता होगा कि बेसिकली एक टीम डेथ मैच के अंदर हमें करना क्या होता है, तो वही सारी चीजें इसमें भी करनी है। एंड अब बात करते हैं मल्टीप्लेयर ऑप्शन के बारे में कि यार मल्टीप्लेयर के अंदर जो हमें क्या कुछ करना होता है। ओके, तो यार मल्टीप्लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टीम वर्सेस और यहाँ पे जो आपको फ्री फॉर ऑल के ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टीम वर्सेस के अंदर जो आपको 3v3 का जो है TDM मैच होने वाला है, और यहाँ पे जो है फ्री फॉर ऑल का मतलब ये है कि गाइस यार आप जो है गेम को प्ले करोगे एंड जो सामने आएगा उसी बंदे को ठोकोगे, ठीक है। तो यार सिंपल सा फंडा है, एंड यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि यार टीम वर्सेस का जो है गेम प्ले किस टाइप का होने वाला है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स गेम के सेटिंग के बारे में। तो सेटिंग में आपको जो है ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल का जो नाम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, कंट्रोल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बस इतना ही है। एंड साउंड को ऑफ ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। तो गाइस यार यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पे आपको कंट्रोल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स गेम के नाम के बारे में। तो गेम का नाम फ्रेंड्स रिस्पाउन ब्लेस गन शूटिंग गेम्स। तो मैं आप सभी को बता दूं ये जो एक थर्ड पर्सन शूटिंग गेम्स होने वाला है, यहाँ पे आपको कोई भी बैटल रॉयल मोड जो है देखने को नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने दो मोड के बारे में बता ही दिया। एंड इसके अलावा गाइस मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे आपको हॉरर मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि एक ज़ॉम्बीज मोड टाइप का कुछ है, तो उससे आप अगर चाहो तो उससे आप प्ले कर सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ उस चीज के बारे में, एंड अगर आप चाहो तो इस गेम को ट्राई कर सकते हो। गेम का साइज जो है आपको 814 MB का देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स फ्री फायर के बारे में, तो फ्री फायर जो आपको 774 MB का देखने को मिल जाता है। तो गाइस यार ज्यादा मतलब डिफरेंट नहीं है भाई यार, 150 MB का यार आसपास ही कुछ है। तो अगर आप चाहो तो इस गेम को भी ट्राई कर सकते हो, या फिर आप फ्री फायर अगर खेलते हो तो भाई फ्री फायर भी खेल सकते हो। गाइस अगर कोई भी जबरदस्ती नहीं है, अगर आप चाहते हो यार कुछ डिफरेंट गेम्स ट्राई करना तो आप ऐसे में इस गेम को ट्राई कर सकते हो। तो गाइस यार यही थी आज की वीडियो। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अभी तक अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं करा है तो यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हो प्लेलिस्ट, इसमें क्लिक करके जो आप मेरे प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने काफी सारी जो बैटल रॉयल गेम्स के ऊपर वीडियो बना रखी है। तो चलिए गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।